हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे है बेटा? नीट 2023 का जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है वो खत्म हो चुका है। अब आता है सेकेंड राउंड की प्रक्रिया। आप सभी को पता है कि सेकेंड राउंड जो है 7 से 8 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। 7th एंड 8th अगस्त को मैट्रिक्स ऑफ द सीट दिया जाएगा, मतलब सीट कितनी खाली है, क्या है, फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीटें निकल के आती हैं और सेकेंड राउंड में कितनी सीटें आपको काउंसलिंग के लिए उपलब्ध होंगी, ये मैट्रिक्स आपको 7 से 8 अगस्त को बता दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कितनी सीटें आएंगी, तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो राउंड 1 में बच्चों ने काफी ज्यादा सीटें छोड़ी थी, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स ने कॉलेज में जाकर के फर्स्ट राउंड में जो प्रोसेस था वो नहीं किया। आपको एक अप्रोक्स डेटा बता दें, फर्स्ट राउंड में लगभग 65% सीटें जो है वो बच्चों ने छोड़ दी थी। तो इसका मतलब है सेकेंड राउंड में काफी मात्रा में सीटें पिछले साल भी आई थी और इस बार भी आएंगी। तो सेकेंड राउंड की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसमें सभी कैटेगरीज में, ओपन या जनरल कैटेगरी, ओबीसी और सभी राउंड में काफी मात्रा में सीटें मिलने वाली है। दूसरा, सेकेंड राउंड में एक और आपको फायदा है, वो क्या, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था और कुछ नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि अभी वो रेडी नहीं थे। तो ऐसे 7 मेडिकल कॉलेज हैं, तो इन 7 मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग भी सेकेंड राउंड में जुड़ जाएगी। इन मेडिकल कॉलेजेस में मान लें 150 सीट्स हैं, तो 150 सीट्स का 15% कोटा तो ऑल इंडिया में आएगा, तो वो करीब कितना हुआ, तो लगभग 150 सीटों से लेकर के 200 सीट के बीच में सेकेंड राउंड में आपको और मिलेंगे। इसलिए सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में आपके कॉलेज पाने का चांस ज्यादा है। सेकेंड राउंड में इतनी सीटें बच्चे छोड़ क्यों देते हैं, स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि जब बच्चों को लगता है कि ऑल इंडिया कोटा में हमें उस तरह का कॉलेज नहीं मिला जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे, तो वो स्टेट काउंसलिंग में इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ज्यादातर स्टेट्स की सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया से पहले कंप्लीट हो जाती है। इसलिए काफी बड़ी मात्रा में बच्चे ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग में काफी सीटें आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिलनी चाहिए। डेटा जो मैंने बेटा फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थे उसको जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था उसको एक बार फिर से देख लें कि फर्स्ट राउंड में जो 2023 की काउंसलिंग ऑल इंडिया की हुई उसमें लगभग 17,396 रैंक जो है उस पे ओपन कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है। ओबीसी का ये कट ऑफ है, मार्क्स बेटा इनके हैं 618 और 617, यानी ओबीसी में 617 और अनरिजर्व कैटेगरी में 618 पे कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस में 21,591, एससी में 1,13,000 और एसटी में 1,41,091 ऑल इंडिया रैंक वालों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल रही थी। राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकता है वो हम इस वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो का पूरा देखिएगा। 9 से 14 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किनको कराना मैंडेटरी है वो हम अभी आगे बात करते हैं। 10 से 15 अगस्त के बीच में आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी और फिर 18 अगस्त को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब किन स्टूडेंट्स को राउंड टू में जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है और किन स्टूडेंट्स को राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, जरा इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। राउंड वन में सीट नॉट अलॉटेड, मतलब आपने राउंड वन में काउंसलिंग किया, कॉलेज की चॉइस आपने भरी लेकिन आपको कोई सीट मिली ही नहीं, कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ऐसे स्टूडेंट्स को नॉट टू रजिस्टर फॉर द राउंड टू अगेन, यानी आपको राउंड टू के लिए फिर से फर्दर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वही रजिस्ट्रेशन, वही सिक्योरिटी मनी, वही रजिस्ट्रेशन अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी यू हैव नॉट टू मेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड टू। ठीक है बेटा, राउंड वन में सीट अलॉट हुई आपको बट नॉट रिपोर्टेड एट द इंस्टीट्यूशन, आपको राउंड वन में एक सीट मिल गई लेकिन आपको लगा यार मुझे ये सीट नहीं लेनी है, तो आपने जाके उस कॉलेज पर रिपोर्ट नहीं किया है, और आपने नहीं रिपोर्ट किया है तो आपको सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। दो लोग आ गए जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी उन्हें भी सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और जिन्हें सीट मिली थी लेकिन उन्होंने जाके ज्वाइन नहीं किया था उन्हें भी नहीं कराना है, और उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में है। बहुत से बच्चों ने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो राउंड टू की काउंसलिंग में आप बिल्कुल फ्रेश पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वहां पर नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
और जब आप सेकेंड राउंड में जाएंगे तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही नहीं जमा करेंगे, आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करना पड़ेगा। राउंड टू में सभी के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, मतलब सभी स्टूडेंट्स को राउंड टू में जाके चॉइस जो कॉलेज की थी वो फिर से भरना होगा। अगर आप अपग्रेडेशन के राउंड टू में जा रहे हैं तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है उसको चॉइस में आप राउंड टू में नहीं भर सकते। हालांकि अभी हमें राउंड टू की चर्चा करना है, लेकिन एक पॉइंट में राउंड थ्री से रिलेटेड भी बता दूं कि जिन लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड टू में किया है, यानी राउंड वन में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट, आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली ही नहीं, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली राउंड थ्री में चले जाएंगे, आपको राउंड थ्री के लिए रजिस्टर नहीं करना। लेकिन इफ अपग्रेडेड टू राउंड टू, आपने राउंड वन में किया, कॉलेज मिला, आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड टू में गए, लेकिन राउंड टू में अगर आप अपनी सीट को लॉक नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि अब हम राउंड थ्री में जाएंगे, तो आपकी जो सारी सिक्योरिटी मनी थी वो जब्त हो जाएगी। अब राउंड थ्री में आपको फिर से नई रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जमा करके राउंड थ्री में जाना पड़ेगा। ये उनके लिए है जिनको राउंड वन में सीट अलॉट हुई थी और वो राउंड टू में अपग्रेडेशन के लिए गए हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको राउंड टू में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। करेक्ट बेटा, सेकेंड राउंड में आपको सीट पाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, थोड़ा उसके बारे में एक डेटा से देखते हैं। देखिएगा, पहले तो मैं यह पॉसिबिलिटी बता दूं, डेटा बाद में बताते हैं। पहला क्या है कि सेकेंड राउंड में बेटा चांस है कि लेस स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट। रीजन है उसका क्योंकि आपने नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो आपकी ऑल इंडिया रैंक थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, अगर तो स्टेट रैंक उससे बेहतर आई है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर साउथ के स्टूडेंट्स ने नॉर्थ के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। इस वजह से जिन बच्चों को स्टेट में अच्छी रैंक मिल जा रही है वो स्टेट में फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं। मेरे जानने वाले में भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट राउंड में ही बेहतर कॉलेज मिलने पर उसे ऑप्ट कर रहे हैं और इस वजह से वो ऑल इंडिया की सीट को छोड़ रहे हैं। इससे उन बच्चों को जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला उनको दो फायदे हो सकते हैं। क्या, एक तो ये स्टूडेंट स्टेट में सीट ले लेंगे और ऑल इंडिया में छोड़ेंगे तो ऑल इंडिया में ज्यादा सीटें फ्री हो जाएंगी और वो सेकेंड राउंड में चली जाएंगी। ये बच्चे अब ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये चांस बनता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की होगी उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग थोड़ा कम होगा, तो इसलिए आपके लिए उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरा, यूपी और राजस्थान में अगर आप देखें तो इस बार कट ऑफ एकदम से नीचे आ गया है। यूपी का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में क्या एक्सपेक्टेड है, कितना क्या हो सकता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। जरा राजस्थान के ऊपर नजर डालिए, राजस्थान में जो राउंड वन की काउंसलिंग 2022 में हुई थी उसमें कट ऑफ लगभग 10,500 की ऑल इंडिया रैंक पे गया था, यानी जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 10,500 थी वो फर्स्ट राउंड में 2022 में सीट पाए थे। लेकिन 2023 में फर्स्ट राउंड में राजस्थान में 13,000 रैंक पे कट ऑफ गया है। तो आप यहीं से एक अंतर देख लीजिएगा कि 2022 में फर्स्ट राउंड में राजस्थान में कट ऑफ 10,500 गया था, जो इस बार 13,000 में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया है, यानी लगभग 2,500 बच्चा जो है वो बढ़ जा रहा है। पिछली बार 10,500 से 13,000 के बीच में जो 2,500 बच्चा है वो अगर यहाँ सीट नहीं पा रहा था तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहा था ना, अब वो 2,500 बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग में या तो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, हालांकि पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें बड़ी मात्रा में नहीं जा रहा है, स्टेट में सीट ले लेगा। तो इसलिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकंड राउंड में थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, कम बच्चे वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे तो चांस बढ़ते हैं। बेटा राजस्थान में जो इस बार 2022 से 2023 में ये कट ऑफ नीचे आया है, इसके पीछे कारण है 5 नए कॉलेजेस का जुड़ जाना। तो राजस्थान में जो 5 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए इससे भी कुछ सीटें बढ़ गई, इससे भी ये कट ऑफ यहाँ तक आ गया। तो दो कारण है, एक तो नॉर्थ और राजस्थान के बच्चों का साउथ इंडिया की तुलना में थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देने की वजह से ये चेंज आ रहा है, और दूसरा कारण नए मेडिकल कॉलेज का जुड़ना। तो बेटा सेकेंड राउंड में आपको बेहतर चांस बनते हैं क्योंकि यूपी और राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें रैंक नीचे तक गई है। 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का राउंड टू में पार्टिसिपेट करना, आपको पता होगा आपने एमसीसी की
नोटिफिकेशन को देखा होगा कि फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनमें कुछ पुराने मेडिकल कॉलेज भी थे, कुछ नए भी थे। अब वो 7 मेडिकल कॉलेज जिनमें पुराने नए दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन कॉलेज के पार्टिसिपेट करने की वजह से भी राउंड 2 जो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा एक और चीज आप यहां पर बड़े ध्यान से देखें कि 2022 में राउंड 1 से राउंड 2 में जब AIQ में गए थे तो सीटों पे फर्क क्या आया था, एक बार देखिएगा बेटा। 2022 में राउंड 1 में लगभग 9400 को कॉलेज की सीट अलॉट हो गई थी, उनमें से लगभग 6200 सीटें जो थी वो खाली हो गई थी। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, इतने बच्चों को सीट अलॉट हो गए ऑल इंडिया काउंसलिंग में, लेकिन इनमें से ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट राउंड में स्टेट में बेहतर कॉलेज पाने से क्या किया, स्टेट के काउंसलिंग में जाकर के कॉलेज ले लिया, इसलिए बड़ी मात्रा में सीटें सेकेंड राउंड में शिफ्ट हो गई थी। तो एक बार फिर देखिएगा, 2022 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 से राउंड 2 में लगभग 65% सीटें वैकेंट हो गई थी, यानी काफी मात्रा में सीटें सेकेंड राउंड में ट्रांसफर हो गई थी, यानी कि इन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया था। 23 में क्या चांस है बेटा, जब ये कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के इन कॉलेज इन स्टेट्स का कट ऑफ डाउन हुआ है, तो उम्मीद की जाती है सीटें 6200 से बढ़ के इस बार 7000 के आसपास सेकेंड राउंड में आ सकती हैं। तो बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अभी मायूस ना हो बेटा, क्योंकि आप अभी बिल्कुल पॉजिटिव मोरल के साथ काउंसलिंग करिए और चॉइस फिलिंग में कंजूसी मत करिएगा। आप टॉप रैंक से लेकर के नीचे रैंक तक के सारे कॉलेज भर दो बेटे, क्या जाता है तुम्हारी जेब से, और इस समय आपके पास कोई काम भी नहीं है, आपने एग्जाम पास किया है और इस समय आपको ऐसी कोई खास तौर पे पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो आपके पास समय ही समय है। आप खूब अच्छे से रफ पे अपनी चॉइस फिलिंग करिए, उनके ऑर्डर चेक करिए, फिर उसे आप फाइनली जा करके उसको अपलोड करिए। एक्चुअली होता क्या, अपलोड जब आप कर देते हैं आप अपने लैपटॉप में, तो आप इसे स्क्रॉल करके देखते हैं तो सब एज किसी सारे ऑप्शन एट ए ग्लांस नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप पेपर पे डालते हैं तो सारे ऑप्शन आपको एट ए ग्लांस दिख सकते हैं, बेटर विजिबिलिटी और बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है, और अदरवाइज आप तो खुद ही होशियार हैं। एक चीज देखिएगा, जैसे फर्स्ट राउंड का ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी का इस बार कट ऑफ 17396 गया है। पिछले साल क्या हुआ था कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कट ऑफ गया था उसमें लगभग 2600 रैंक सेकंड राउंड में ऊपर कट ऑफ गया था। मतलब आप मानिए कि जैसे अगर इसी को हम मान लें कि इस बार 2023 में 2600 रैंक का कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, यानी अगर पिछले साल 17396 पर कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गया होता तो उसमें इतनी रैंक और जोड़ दो वहां पर सेकेंड राउंड का कट ऑफ जाता। इसको दूसरे ढंग से समझिएगा, इस बार अगर 17396 रैंक पर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया है तो अगर इतनी ही रैंक ऊपर चला जाए तो भी आप इसमें जोड़ लीजिए, लगभग आप देखिए 18000, 19000, 20000 से 21000 के बीच सेकंड राउंड का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रैंक में इंक्रीज 2600 हुआ था इस बार ज्यादा चला जाएगा, यानी इस बार जो फर्स्ट राउंड की रैंक पर अनरिजर्व कैटेगरी गया था, मुझे ऐसा कैलकुलेशन और थोड़ा सा जिस हिसाब से स्टेट में बच्चों ने सीट ऑप्ट की उससे लगता है कि फर्स्ट राउंड की सीट और सेकंड राउंड की सीट के बीच में ये डिफरेंस पिछली बार 2600 का था UR में अनरिजर्व कैटेगरी में, इस बार 3500 के आसपास चला जा सकता है। यानी कि सेकंड राउंड में अनरिजर्व या ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 22000 के आसपास जा सकता है। ओबीसी में ये 2300 रैंक ऊपर चला गया था, यानी फर्स्ट राउंड में पिछले साल जो ओबीसी का कट ऑफ था सेकंड राउंड में कट ऑफ लगभग 2300 रैंक ऊपर चला गया था। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड लगभग 2500 रैंक ऊपर चला गया था, और एससी में लगभग 13000 रैंक ऊपर चला गया था। जैसे एससी में इस बार कट ऑफ लगभग 113000 है, तो 13000 इसमें अगर इसी तरह से जोड़ लो तो यानी 114000 13500 पे एससी का कट ऑफ सेकंड राउंड में जा सकता है। हालांकि इससे आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट कम करेंगे तो बीच में काफी सारी रैंक के बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होंगे, तो एससी का सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है 115000 18000 के आसपास जा सकता है। एसटी में पिछले साल फर्स्ट राउंड की तुलना में कट ऑफ जो रैंक थी वो लगभग 8000 ऊपर चली गई थी,
तो उसके अनुसार एसटी में भी कितना ऊपर जाएगा एक आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड ऑफ द ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके चांस क्या बनते हैं। तो बेटा राउंड टू का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या जा सकता है, जरा उसके ऊपर एक इतनी सारी चर्चा के बाद एक्सपेक्टेड डेटा देखिएगा। राउंड टू में जो ऑल इंडिया कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का है लगभग 22,000 से 22,500 जा सकता है, जो कि फर्स्ट राउंड में लगभग 17,396 था। ओबीसी का कट ऑफ 22,500 से 23,200 एआईआर तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का लगभग 24,500 से 25,000 के बीच सेकेंड राउंड में कट ऑफ जा सकता है। और एससी का 115,000 से 120,000 या थोड़ा और एक्यूरेट करें तो 118,000 तक जा सकता है। और एसटी का 152,000 से 160,000 के बीच में सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग में कट ऑफ जाने का एक उम्मीद है। अगर ये थोड़ा बहुत बेटा 19-20 नीचे भी रह जाता है तो आप चिंता न करिए, क्योंकि राउंड थ्री होगा और राउंड थ्री में भी आपको पिछले साल की तुलना में ज्यादा सीटें मिलेंगी इस बार चॉइस फिलिंग के लिए। आपके चांस राउंड थ्री में भी अच्छे बनते हैं, इसलिए एक उम्मीद है कि इतने के आसपास कट ऑफ सेकंड राउंड में जाएगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपकी रैंक इनके आसपास है, आपके इनसे अगर 500 रैंक ज्यादा भी है तो भी उम्मीद करिए। क्यों? क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में काफी मात्रा में बच्चे जब पार्टिसिपेट करके कॉलेज ऑप्ट करेंगे तो ऑल इंडिया में काफी सीटें छूटेंगी। आप ऐसे कई बच्चों ने पूछा कि सर ऑल इंडिया में क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, ऐसे बच्चे खासतौर पर जिनके नंबर या रैंक बहुत अच्छी नहीं जा रही है। तो बेटा बताएं, आखिरी राउंड तक काउंसलिंग करिए बेटा। और अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, आप दूर तक जा सकते हैं 1,000 किलोमीटर 1,200 किलोमीटर, तो आप नॉर्थ ईस्ट के भी कॉलेज मिल जाएंगे और बड़े ही अच्छे कॉलेज हैं वहां पर भी। क्योंकि किसी स्टेट के अंदर जो 2-4 मेडिकल कॉलेज होते हैं वो हर हाल में बड़े अच्छे होते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे छोटा सा देश हो चाहे छोटा सा स्टेट हो, उसके अंदर जो उसका कैपिटल रीजन है उसके आसपास जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में मिले आपको, उत्तराखंड में मिले, हिमाचल में मिले या और कुछ साउथ के साइड में मिले, वेयर डिस्टेंस डजंट मैटर, तो आप काउंसलिंग करिए। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में टॉप अप राउंड तक कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि उस समय बहुत से बच्चे इन दूर के कॉलेजेस को ऑप्ट नहीं करते हैं। तो बेटा इस वीडियो में आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड इतनी बात करनी थी। पिछले वीडियो में जिस तरह का सपोर्ट और प्यार आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क बाय मेकिंग अ कमेंट। थैंक यू।